हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू कुकिंग विद फरजाना। आज बनाएंगे कच्ची अखनी का मटन बिरयानी का, तो कच्ची मटन दम बिरयानी। ज़रा टाइम लेने का प्रोसेस, लेकिन बहुत टेस्टी से बहुत अच्छा बनता। एक बार ज़रूर से ट्राई करके देखो। इसके वास्ते बाउल में आधा केजी साफ करके रखे सो मटन लेना। मटन बड़े बड़े पीसेस कट करा लेना। इसके अंदर एक स्पून नमक, एक स्पून लाल मिर्च पाउडर, 3 स्पून हल्दी पाउडर, 1 स्पून धनिया पाउडर, 1/2 स्पून ज़ीरा पाउडर। मैं यहाँ मीट मसाला पाउडर लेती हूँ, ये नहीं तो गरम मसाला भी ले सकते। 1 स्पून, 2 स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 लीटर दही डाल लेना। मैं यहाँ फ्रेश वाला दही लेती हूँ, होना है तो खट्टा वाला भी ले सकते। खट्टा दही लिए तो नींबू का रस डालने का ज़रूरत होता नहीं। मुट्ठी भर पुदीना कोथिंबीर के पत्ते, अभी 1 स्पून नींबू का रस डाल लेना। ब्राउन करके रखे सो प्याज 1 कप डाल लेना। ये प्याज को तले सो ऑयलीज मैं यूज़ करती हूँ। 5 स्पून तेल, ये टाइम पर होना है तो कच्चा पपाया पेस्ट डाल सकते, तब 1 घंटे का से मैरिनेट करते पर हुआ था। 1 स्पून कच्चा पपाया पेस्ट डाले तो, नहीं तो मैं यहाँ पूरी रात के वास्ते का तो 8 से 10 घंटे के वास्ते मैरिनेट कर लेती हूँ। अब चावल के वास्ते 3 केजी चावल को धो को 2.5 लीटर पानी में भिगा को रखना 1/2 घंटे के वास्ते। इसके अंदर स्पाइसेस डालेंगे, 3 लौंग, 2 इलायची, 2 इंच चकला, 1 बड़ी लौंग, ज़रा जापित्री, 6 काली मिर्च के दाने, 1/2 स्पून शाहजीरा, 2 बिरयानी के पत्ते। ये पूरे बिरयानी फ्लेवर ज़्यादा कम होते परवानी। मैं यहाँ एक कॉटन क्लॉथ में घाटी बनती हूँ, ऐसा करे तो खाते तब पूरे स्पाइसेस आड़ा आए नहीं सर कर रहते, नहीं तो डायरेक्ट है तो भी पूरे स्पाइसेस डाल सकते। मैं यहाँ चावल भिगाए सो पानी चूज़ कर लेती हूँ। हाई फ्लेम के ऊपर 2 स्पून नमक, 1 स्पून तेल डाल को कवर करके उबाल आने देना। ऐसा उबलते तब एक बार टेस्ट ज़रूर करो। मुझे ज़रा नमक कम दिखता है, इसको मैं नमक डालती हूँ। पानी टेस्ट करे तो ज़रा नमक ज़्यादा अच्छा रहना, तब भी चावल को अच्छे से नमक पकड़ता। अब इसके अंदर भिगा को रखे सो बासमती डाल लेना। हाई फ्लेम के ऊपर दाना तोड़े तो ईजी से कट हुए ना, तो 5 मिनट के वास्ते पकाए तो बर्फ हुआ था। ये 50% पकाया को अब इसे साइड में रख लेंगे एक थिक वेजल में, नीचे से अच्छा घट रहा ना वेजल, तभी दाग लगे सर का मटन पूरी तरह से पकता। मैरिनेट करे सो मटन को ईवन से स्प्रेड कर लेना। उसके बाद 50% पका को रखे सो बासमती चावल को भी ईवन से स्प्रेड कर लेना। मैं यहाँ स्पाइसेस की पोटली भी रख लेती हूँ। मैं फूड कलर यूज़ करती हूँ 4 ड्रॉप्स, ये ऑप्शनल। अब ऊपर से 1 स्पून पुदीना कोथिंबीर के पत्ते, 1 स्पून मीट मसाला पाउडर नहीं तो गरम मसाला पाउडर, 2 स्पून घी। अभी बासमती को उबाल को रखे सो पानी में से 1 कप पानी डालती हूँ। अब इसे कवर कर को 5 मिनट के वास्ते मीडियम फ्लेम के ऊपर, उसके बाद 40 मिनट के वास्ते लो फ्लेम के ऊपर ऐसा तसला सरकाते सब तरफ हीट करेक्ट पहुँचेना पका लेना, नहीं तो नीचे से एक तवा रखे तो बड़ा हो जाता। 45 मिनट्स पूरी तरह से पक जाने के बाद फ्लेम को बंद कर डालना। इसे मिनिमम 15 मिनट के वास्ते रेस्टिंग टाइम देना सर्व करना का। तो 15 मिनट के बाद इसे हल्के हाथ से मिलाते पका ले, सॉरी सर्व कर लेना। मैं यहाँ स्पाइसेस का पोटली निकालती हूँ। चावल अच्छा खुला सी पक गया, मटन का पीस भी मैं कट करके दिखा दूँ कितना अंदर तक अच्छे से पक गया मटन भी। और तज बन गया हमारा कच्ची मटन अखनी का बिरयानी। इसे तुम्हें रायता, दाल चा, भाजी, मिर्ची का सालन किसके साथ भी सर्व कर सकते हैं, नहीं तो खाली ऐसा प्लेन भी सर्व कर सकते हैं ज़रा प्याज टमाटर नींबू के साथ। मैं इसके पूरे लिंक सा यहाँ ऊपर आई सिंबल दिखता है ना, उसमें देखो है, एक बार उसे भी ज़रूर से देखो। और तज थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ लीव योर वैल्यूबल कमेंट्स। Bye.